మీరు కొంచెం కా ये क्या कर रहा है? रात के 1 बजे ये काव्य पुचका खा रही है और उसे कैसे पता कि यहाँ पर कोई पुचका वाला है? मिसेस महेश्वरी, हमारी ये जो काव्या भाभी है ना, वो बहुत ही बड़ी स्टार है, तो उसे तो पता ही होगा ना। घर चले? क्या हुआ, नींद आ रही है? नहीं, मुँह में पानी आ रहा है। मुझे पुचका बहुत अच्छा लगता है, बहुत दिन हो गए मैंने पुचका खाए। मजाक कर रही थी, कॉन्सेंट्रेट, सॉरी। देखते हैं कि ये लोग आगे क्या करते हैं। चलो। सरा, कैसे कुछ ही घंटों में सब कुछ बदल गया? नहीं हाँ रागिनी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि बाबा मान गए। कैसे नहीं मानते, तुमसे इतना प्यार जो करते हैं वो तुम्हें छोड़कर कभी कहीं जा ही नहीं सकते। आज कितने दिनों बाद हम सुकून से सोएंगे, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। काश काश तुम भी यहाँ होती। मेरा भी बहुत मन है तुमसे ढेर सारी बातें करने का, आई विश हम ऐसा कर पाते, पर इस वक्त तो पॉसिबल नहीं है ना। कोई नहीं, चलो अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है। गुड नाइट। गुड नाइट सर। संस्कार कितनी देर लगा दी, कहाँ थे तुम? और ठीक है, बैठो। तो पुचका, तुम्हारा पुचका खाने का मन था ना, तो तुम्हारे लिए पुचका हाजिर है। तुमने बाबा को बीकानेर जाने से रोका, तो उसके लिए भी सेलिब्रेशन तो होना चाहिए। सो दिस ट्रीट इज फॉर यू एंड मिसेस संस्कार महेश्वरी। आपका जो हस्बैंड है ना, वो मल्टी टैलेंटेड है, सो डोंट अंडर एस्टिमेट हिम। अब तुम ये खाओ और मुझे बताओ कि पुचका कैसा बना है। यम्मी यम्मी। आज का पुचका आई लव यू संस्कार। आई नो। स्वरा, मुझे भी चीला देना। हाँ अभी लाई। आदर्श, आज ऑफिस पहुंचते ही सबसे पहले मेहता एंड मेहता का प्रोजेक्ट डिस्कस कर लेना। जी पापा। अरे वाह स्वरा, बेसन का चीला तो बहुत अच्छा बना है, बिल्कुल मारवाड़ी स्टाइल। हाँ लेकिन थोड़ा सा तीखा हो गया ना। लेकिन हमारे संस्कार के लिए अगर इतना ही तीखा बनाएगी तो
ज्यादा अच्छा होगा ना। देख जब से खाई जा रहा है, खाई जा रहा है, खाई जा रहा है। नहीं मॉम, वो शायद संस्कार को बहुत भूख लगी है ना, इसीलिए इतना खा रहे हैं। नहीं संस्कार छोड़ा। हाँ हाँ सब पता है मारे को, मैं भी सास से पहले बहू ही थी। सुजाता मॉम, भूख तो मुझे लगी है लेकिन चीला वाकई बहुत अच्छा बनाया है सोरा ने। तुम्हारे हाथ में कमाल का जादू है। नहीं तुम भी संस्कार, मैं तो बस ऐसे ही। छोड़ो राम, आदर्श अगर नाश्ता हो गया हो तो ऑफिस के लिए चलें। चलो भाई साहब। यार यहाँ तो कहीं भी डांस कर सकते हैं। किसी पैलेस से कम नहीं लग रहा ये। पर अंजलि के घर की तरह नहीं, जो दिखने में तो सुंदर हो बट एक्चुअली फुल फेक यू नो। ये सब क्या हो रहा है? और कौन है आप लोग? ना काना फूसी क्या करो, जिज्जी मारे कुछ पूछ रही है ना, क्यों आयो जे घर में? ना काव्या को समझ ना आ रहा है कि सो गाइस ऑल सेट? यस मैम। गुड काव्या, ये सब क्या हो रहा है? कौन है ये लोग? क्या हुआ, ऐसे क्यों घूर रहे हैं आप लोग? अब आपकी बहू एक सेलिब्रिटी है तो आप लोगों को फील तो होना चाहिए ना। ये लोग मेरी बॉलीवुड डांस क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं। शादी के बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था बट अब मैं अपने स्टूडेंट्स से थोड़ी दिन भी दूर नहीं रहना चाहती, सो आई एम रिज्यूमिंग माई क्लासेस। मैम बाहर जो आपकी पिक्चर लगी हुई है ना, उसमें आप बहुत प्रिटी लग रहे हो। थैंक यू सो मच। चिच्ची मारे को तो पता ही ना था काली बिल्ली का बाहर कोई फोटो भी लगा हुआ। ये पता नहीं कैसे कैसा फोटो लगाया होगा चिच्ची। सो लेट्स स्टार्ट। डांस क्लास शुरू कर दी? या गुड। अच्छा लिसन, आई एम लीविंग, आई हैव अ मीटिंग। ऑलराइट बाय। अरे इकट्ठे जा रहे हैं लक्स, नाश्ता करने क्यों ना आया सबके साथ? चाची मैंने काव्य के साथ ऑलरेडी पैनकेक्स खा लिए। पैन बाय गाइस। बाय काव्य। ये पैन का भी केक बने है के? सुजाता दो मिनट चुप हो जाओ प्लीज। अपना सेटअप यहीं पे लगा लो। ना पता नहीं जिज्जी कैसी फोटो लगी होगी बाहर। ना चलो ना चल के देखते हैं। नहीं मुझे नहीं ना जिज्जी, अच्छा ना होगी तो हटा देंगे। चलो ना गाइस, लेट्स रिज्यूम फ्रॉम द लास्ट स्टेप। ठीक है, वही वाला स्टेप जो आपने सिखाया। यस कंटिन्यू। गुड। Now, just tell her, कैसे कर रही हो उसे बताओ। अरे गिर जाएगा छोरी के ऊपर, इतना चिपकने की क्या जरूरत है छोरी से? शर्म ना देख। क्या है ये सब? आंखों की शर्म, लिहाज और तहजीब के लिए इस घर में कोई जगह बची है कि नहीं? अरे ये केनो वाइस है,
के नवाज हो राजीव जी। बड़े पापा प्लीज इन सबकी वजह से अपना दिन खराब मत कीजिए। आप लोग ऑफिस जाइए, सब ठीक हो जाएगा। अपने पापा की झुकी हुई निगाहें देखकर शांति मिल गई तुम्हें लक्ष्य? माँ प्लीज। प्रॉब्लम क्या इन फोटोज में? ठीक तो है माँ, इतनी ओल्ड फैशन बातें करना आप कब बंद करेंगे? अच्छा तो अब आपको मेरी डांस क्लासेस से भी प्रॉब्लम है? हाँ देख छोरी, हम लोग ना कोई ओल्ड फैशन लोग ना है और कोई दिक्कत ना है हम लोग को। दिक्कत सिर्फ ये है कि अगर थारे को सबको नाच सिखाना ही है तो कथक और भरतनाट्यम सिखाना। जे ऐसे ऐसे करके जो कोई नाच होता है तो सिखा रही थी हाल में। चाची काव्य एक इंडिपेंडेंट लड़की है, उसे अपनी लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना उसे पता है। प्लीज आप उसे सलाह मत दो, बिचारी के किसी काम का आप अप्रिशिएट तो कर नहीं सकते, कम से कम उसे डिमोटिवेट तो मत करो। काव्य एक मॉडर्न लड़की है, उसका रहन सहन उसके कपड़े उसके हिसाब से होते हैं, और इस बात को आप जितनी जल्दी समझ जाओगी उतना आपके लिए अच्छा होगा। ये तो कैसे बात कर रहा है? ऑफ कोर्स, अब मैं आपकी तरह साड़ी या फिर इसकी तरह सलवार सूट पहन के तो बॉलीवुड डांस नहीं सिखा सकती ना। बाय टॉपी। बाय लक्ष्य। ड्रीम बहू, बट यू नो व्हाट, शी इज अ बहन जी और लक्ष्य को बहन जी नहीं चाहिए। सो अगर लक्ष्य को ये पता होता ना कि उसे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए तो आज उसके ये हाल ना होते। ये तो उसकी बदकिस्मती है कि उसने रागिनी को छोड़कर तुम्हें चुना। बहुत पछताएगा ये। अच्छा तो इसने इतने सारे कांड किए हैं फिर भी आप इसका ही फेवर कर रही हैं? काव्या, क्योंकि रागिनी बदल गई है और उसने जो कुछ भी किया था अपने प्यार को पाने के लिए किया था, समझी तुम? मैंने भी ना छोरी के ने भी सब पता है। मारे को तू लक्ष्य से कितना प्यार करे है। लक्ष्य को ना तूने अपने काबू में करके रखा हुआ है ताकि तू हम सबके खिलाफ हमारे लक्ष्य को भड़का सके। बढ़िया है, मैं भी। और तू रागिनी की बात कर रही है ना, अगर ये छोरी ने कुछ गलत किया है ना तो भुगत भी रही है, समझी तू? बदतमीज। बस 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 सॉरी रागिनी, काव्या ने तुमसे जिस तरह से बात की उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। नहीं माँ, तुम माफी मत मांगिए। आपको कहाँ पता था कि वो ऐसा कुछ कहेगी? खैर रहने दो, तुम अंदर आओ। माँ हम यहीं से चले जाते हैं। ये माँ ने संदेश भेजा है आप सबके लिए। और फिर स्वरा भी हमें मिलना चाहती थी तो इसलिए हम यहाँ आए। रागिनी को बाहर तक छोड़कर आती हूँ।
कैसी हो तुम? स्वरा, ये काव्या तो बहुत शातिर और चालाक लगती है। तुम सब इसे कैसे संभालते हो? किसी को इससे कोई मतलब नहीं है रागिनी। सब लोगों ने इसे अकेला छोड़ दिया सिवाय लक्ष्य के। लक्ष्य को इसने फुल कंट्रोल करके रखा है, उसके इशारों पर चलता है वो। शायद यही चाहिए था लक्ष्य को। नहीं रागिनी, मुझे नहीं लगता लक्ष्य, मुझे लगता है लक्ष्य को एक्चुअली पता ही नहीं है कि उसे चाहिए क्या। बस जब वो उस काव्या के आसपास होता है तो अंधा हो जाता है। ना कुछ देखना चाहता है और ना ही कुछ सुनना चाहता है। पता नहीं ऐसा कौन सा जादू कर दिया है काव्या ने लक्ष्य पर। एनीवेज, मुझे तो लगता है कल रात भी लैंप से खेल ही रही थी, सिग्नल वगैरह नहीं दे रही। एक मिनट, कैसा सिग्नल, कौन सा लैंप? एक्चुअली ऐसे भी तो हो सकता है ना कि वो सच में कहीं किसी से मिलने जा रहे हैं और लक्ष्य बीच में आ गए, इसीलिए उसे अपना प्लान बदलना पड़ा। हो सकता है रागिनी, पर हमारे पास इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। अब जब तुमने मुझे कहा है तो उस पर नजर रखूंगी मैं, और दोबारा ऐसा कुछ लगा तो पता लगा कर रहूंगी कि वो कहाँ जाती है, क्या करती है। हम अब चलते हैं। रागिनी, सॉरी, आई मीन तुम मुझसे बातें करने आई थी, मेरे साथ टाइम स्पेंड करने आई थी, और कौन सी बातें लेकर बैठ गई? स्वरा, ये सब तुम हमें नहीं बताओगी तो और किसे बताओगी? हाँ, सोते हैं। अच्छा सुनो, वो सौंदेश जरूर खाना, बहुत टेस्टी बनाए। ओके चलो। नहीं, तुम जाओ, हम यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, बाय बाय। बस अरे आइए ना, आइए आइए आइए। नमस्ते। आइए ना, अंदर आइए आइए। आज मजा आया, बहुत मजा आया। अरे तू तो गिर ही गया, वो घूंघट वाली आंटी को देखा? She was so funny यार। अच्छा अन्नपूर्णा जी, चलते हैं, आपके घर बहुत सारे मेहमान आए हैं। अरे ये देखो, बहू की मुंह दिखाई के चक्कर में पोस्टर छपवा के रखे हुए हैं। ओ हेलो आंटी, आपको क्या प्रॉब्लम है यहाँ? पोस्टर हो या बैनर, आपको क्या करना है? ऑफ कोर्स, अब इनकी बहू सेलिब्रिटी है तो थोड़ा बहुत फायदा उठाएंगी ना। डे 5, टेक 1, एक्सीलेंट शॉट। चलो चलो चलो। माहेश्वरी फैमिली के नाम पर कॉर बढ़ा था। कॉन्ग्रेट्स काव्या।